हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे घातांक से संबंधित प्रश्न। इसमें देखिए घातांक से संबंधित प्रश्न में है 4√16, 4√16 और 5√243 का मान याद करो। तो हमें इन दोनों का मान याद करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो इधर देखिए 4√16 इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे √16, तो ये 4, यहां से हम 16 का पहले सबसे पहले हम जो यहाँ पे संख्या लिखी है, जैसे 243 है और यहाँ पे कितना है 16, तो यहाँ पे 16 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करोगे तो 2 का भाग 16 में देंगे 8, फिर 2 4 और फिर 2 का भाग देंगे 2 और 2 का 1, कितने 2 के आगे 1 2 3 4, इसका मतलब कितना हो गया 2 की घात 4। और इस अंडर रूट का मतलब है 4, अंडर रूट का मतलब है 1/4। यहां से हम देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 की घात 4 है और यहाँ पे इस पूरे की घात 1/4 है, तो हम यहाँ पे इसे हल करेंगे 2 और ये दोनों घातें गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोनों घातें गुणा हो जाएगी। 4 से 4 काट दिया तो यहाँ पे 2 की घात 1 बच गया, तो 2 × 1 = 2, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड वाले को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले को करेंगे तो देखिए क्या है यहाँ पे 5√243। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे 16 का क्या किया, यहाँ पे गुणनखंड किया, इसी प्रकार हम 243 के भी गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 243 किसका भाग जाएगा? इसमें 3 का भाग जाएगा। यदि संख्याओं को जोड़ने पर, 3 से भाजकता का नियम होता है, यदि सभी को जोड़ने पर 3 का से पूरे पूरे बार भाग चले जाता है तो वह 3 से विभाजित होती है। तो 3 का मैं जब इसमें भाग दूंगा तो 3 का भाग 24 में दूंगा, 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3। इसी प्रकार मैं 81 में 3 का भाग दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 27, फिर 3 का दूंगा 9 और 3 का भाग दूंगा 3 और फिर 3 × 1 = 3। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 की घात में क्या लिख सकता हूँ इसको 5 लिख दूंगा। 5√ को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे की घात 1/5। अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो हम देखेंगे कि यहां पे देखिए जैसे हमने यहां पे किया था कि इन दोनों की घातों को गुणा किया, इसी प्रकार हम क्या करेंगे 3 और इस पूरे की घात है 5 और गुणा कितना है 1/5। 5 से 5 कट गया और यहाँ पे कितना बचा 3 की घात 1, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 3 आंसर। ये है, इतना सीधा सवाल है और देखने में इतना टेढ़ा सवाल लगता है, तो ठीक है फ्रेंड। बाकी और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम ऐसा ही सवाल लेते हैं। यहां पे है 2 और इस 2 की घात 2 है और इस पूरे की घात x है और इधर हमें दिया हुआ है 2 की घात, ये 256, वो तो x का मान याद करेंगे, x का मान याद करो। यहाँ पे जब हम x का मान याद करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? ये तो 2 की घात के रूप में है,
किसकी घात के रूप में है, दो की घात के रूप में, तो इसे भी हमें दो की घात के रूप में चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे जब हमें इसे दो की घात के रूप में चाहिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 256 और इसमें देखो दो का भाग जाता है, ठीक है, तो दो का भाग देंगे दो एक हम दो, दो का भाग पांच में देंगे दो दूनी चार और दो अट्ठे 16, इसी प्रकार इसमें भाग देंगे 64, फिर दो का भाग देंगे 32, दो 16 और फिर दो का 8, दो चार दो, इसी प्रकार दो और दो का 1। यह हमने इसका गुणनखंड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, दो की घात में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे दो की घात कितना लिख सकता हूँ मैं, 8 लिख सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए मैंने इसे दो की घात 8 लिख दिया। आगे देखिए, अब यहां से देखिए हमने इसको 256 को तो कितना लिख दिया, 256 को कितना लिख दिया, 2 की पावर 8, और यहां से देखिए 2, और यहां पे यदि किसी संख्या की घात की भी घात हो और उनके भी कोई घात हो तो उन्हें हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और इसकी घात कितनी, यहाँ पे 2x। हमने नियम पढ़ा है कि यदि दोनों तरफ आधार समान हो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि यदि आधार समान होगा तो दोनों घातों को बराबर कर देते हैं, क्या होगा यहाँ पे, आधार समान होने पर, आधार होने समान होने पर घातों को बराबर कर दो, देखिए बराबर करो इनकी घातों को, तो यहां पर दो की घात तो 2x है और इधर दो की घात कितना है 8 है, तो घातों को बराबर करेंगे 2x बराबर ही होगा यहाँ पे 8, और x का हमको मान चाहिए 2, इसके बटे में चले जाएगा, मतलब वज्र गुणा करने पर 2 कहाँ चले जाएगा, इसके बटे में, तो 2 इसके नीचे चले गया 8 के, तो 2 चक्कू 8, x का मान कितना आ गया यहाँ पे 4। अब मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखो 2 की घात के रूप में है, क्या है ये 2 की घात के रूप में है, तो मुझे ये इसको भी 2 की घात के रूप में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मुझे 2 की घात में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड को 2 की घात में लिख सकता हूँ 8। अब हमें देखना है कि आधार समान होने पर घातों को बराबर कर देंगे, इधर भी आधार 2 है इधर भी आधार 2 है, तो 2 की घात यहाँ पे 2x है और 2 की घात यहाँ पे कितना है 8, तो यहाँ पे आधार समान है तो घातों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो 2x को बराबर किसके कर देंगे, इसके घात के बराबर, 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8, तो x का मान हमको चाहिए तो 2 इसके कहाँ चले जाएगा बटे में चले जाएगा, 2 का भाग हम 8 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, x बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। ऐसे ही हम अगला सवाल भी कर सकते हैं इससे, देखिए कितना सीधा सवाल है, देखिए यहाँ पे लिखा है 512, ठीक ब्रैकेट, और इसकी पावर लगी हुई है, घात लगी 3/4, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है 4/27, ठीक, को हल करना है, क्या करना है हमको इसे हल करना है। तो देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 है, हल कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इनकी घातों को गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे इनकी घातों का गुणा कर देंगे, यदि घात कट रही हो तो काट देंगे। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन है इसका 512,
छोटा कोष्टक, और इनकी घातों को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3/4 गुणा 4/25, 4 से ये 9 है, 27 है, क्या है यहाँ पे 27, सॉरी ये 27, ठीक। 4 से तो 4 कट गया और 3 से कितनी बार कटेगा, ये 9 बार। यहाँ पे देखिए 512, इसकी घात कितनी हो गई, 1/9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे 512 का गुणनखंड, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे जो मूल संख्या थी उसका हमने क्या किया था, गुणनखंड किया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 512 तीन का भाग चले जाएगा इसमें, देखिए 3 का नहीं जाएगा, 2 का भाग चले जाएगा इसमें, 2 का भाग देखे, देखो 2 × 2 = 4, 1 बच गया, 11 हो गया, 2 × 5 = 10, 1 बच गया, 12 × 2 = 12, फिर 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 128, फिर 2 का भाग देंगे 64, फिर 2, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 32, और फिर 2, और यहाँ पे 16, 2 का 8, फिर 2 से 4, और 2 से 2, और 2 से 1। इस प्रकार से मैंने इसका गुणनखंड कर लिया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 की घात के रूप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्या हो गया यहाँ पे, 2 की घात 9, और यहाँ पे इस पूरे की घात कितनी है, 9। अभी पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था कि इनकी घातों को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दीजिए, देखो 2 और इसकी घात 9, गुणा कितना है यहाँ पे, 1/9, 9 से 9 कट जाएगा और कितना हो गया यहाँ पे, 2, और यहाँ पे कितना बचा, 1, तो क्या हो गया, 2×1=2, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगले वीडियो में आपके सामने कुछ सवाल मैं और लेके आऊंगा, तो ठीक है फ्रेंड, शायद मुझे लगता है कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।